बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानवानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में आपको क्या नज़र आ रहा है? Yes, आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है एक फ्लैश कार्ड, और इस फ्लैश कार्ड पे इतने ज़्यादा अंडे बने हैं, एक्स बने हैं। अब हम एक्स को काउंट करते हैं, ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वेरी गुड, ये तो 12 एक्स हैं। अब हम इसको मिलके काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 eggs हैं और ये हैं 12 eggs. आपको पता 12 कैसे लिखा होता है? ये ऐसे लिखा हुआ होता है। 1, 2, 12. 12, 12, ये है 12। प्यारे बच्चों, इस पेज पर आपको क्या नजर आ रहा है? ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये है 12, 12, 12। और इन ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, or 12। और इतने सारे टॉयज किसके हैं? ये इतने सारे टॉयज 12 के हैं। 12 टॉयज 12 टॉयज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और एक्टिविटी आ गई है, सर्कल द नंबर 12। यहाँ पर हम देखते हैं 12 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ लिखा है हम उसको सर्कल करेंगे। ये लिखा है नोम, ये 12 लिखा है, और यस, ये 12 लिखा है, और ये 12 लिखा है, और ये 12 लिखा है। तो देखा, आज हमने 12 पढ़ना भी सीख लिया और हमें उसकी पहचान भी हो गई। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, से द नंबर 12 अगेन एंड अगेन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न दिस नंबर। बच्चों के सामने बार बार 12 को आप बोलेंगे ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उसको पढ़ना सीख जाए। राइट नंबर 12 विद अ फिंगर इन एयर। अब हवा में आप 12 लिख के, यानी 12 लिख के बच्चों को बताएंगे ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत लिखने का आइडिया हो जाए। अभी हम मज़ीद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम 12 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाया है, ये है हमारा एंडिंग पॉइंट, जो कि हमारा 1 लिखा जाएगा ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन के ज़रिए, और इसके साथ हम 2 लिखेंगे। ऐसे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, और ऐसे टू, ये है हमारा 12। अब हम यहाँ पर 12 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये हमारा 1, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट, और इसके साथ हम लिखेंगे 2, 12, 12। इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम 12 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, इसके साथ 2 लिखेंगे, एक छोटा सा कर्व, स्लांट लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। 12, 12, 12। अब हम 12 को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पर हमें
ट्रेसिंग के लिए बहुत से ट्रेस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। हम अब इनको डॉट्स को आपस में मिलाते हुए ट्रेस लिखेंगे। ऐसे डॉट्स को मिलाते हुए राइट फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे 12, 12, 12, बिल्कुल इस तरह से। वेरी गुड, अब हम इसी तरह से पूरे पेज को मुकम्मल करेंगे और लिखना सीखेंगे 12। डियर टीचर्स, इस पेज पर आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। जिस तरह से लिखा है, टेल स्टूडेंट्स दैट द डॉट्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट द नंबर। कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, किस तरह से हमने डॉट्स को मिलाना है। हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिस नंबर 12 बाय राइटिंग ऑन देयर स्लेट तख्ती नोटबुक। हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, स्लेट के ऊपर और सैंड ट्रे के ऊपर 12 लिखने की प्रैक्टिस की है। इसी तरह से आप बच्चों को मजीद प्रैक्टिस करवा के 12 लिखना सिखा सकते हैं। हेल्प द स्टूडेंट्स टू ट्रेस द नंबर 12। आपने बच्चों की मुकम्मल तौर पर हेल्प करनी है कि वो डॉट्स को आपस में कैसे मिलाएंगे और 12 कैसे लिखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ नुक्तों को आपस में मिलाना नहीं है, बल्कि हमें बच्चों को राइट फॉर्मेशन सिखाना है, जिसके ज़रिए बच्चे लिखना सीख जाएंगे। ओके, जैसा कि हमने स्टार्ट में इस फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर एक्स को काउंट किया था, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। हमने इन एक्स को काउंट किया तो हमें पता चला इस तरह से हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं और इस तरह से इनके नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, जहां पर हम सीखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर्स कैसे लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक एक्टिविटी जहाँ पर है काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच बॉक्स एंड राइट द करेक्ट नंबर। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और नीचे उनके नंबर्स लिखने हैं। तो आए लिखना शुरू करते हैं। 1, 2, 3। ये 3 है और यहाँ पर हम लिखेंगे 3। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यस, ये 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर हम लिखेंगे 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हम लिखेंगे 10। वेरी गुड। और इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर्स लिखना सीख लिया। डियर टीचर्स, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो कि है www.gohar publishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स, मॉडल पेपर्स और बहुत सी वर्कशीट्स, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।